चेहरा बांधा जा रहा है राहुल गांधी के सर पे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, कि भारत जोड़ो यात्रा से ही कर्नाटक चुनावों पे फर्क पड़ा है? अगर भारत जोड़ो यात्रा से चुनाव पड़ा है तो जब चल रही थी तब क्यों नहीं फर्क पड़ा? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं पड़ा उसका असर? जब यात्रा चल रही थी, यात्रा चल रही तब भी, और अब उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं असर पड़ा? निकाय चुनाव में कांग्रेस जीरो आई है, वहाँ क्यों नहीं असर पड़ा? कर्नाटक में जो भाजपा की हार हुई, ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा कि मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है सर, मोदी की पावर कभी खत्म नहीं होगी और कांग्रेस भ्रष्टाचार थी और है और रहेगी। मोदी को अभी लोग समझ गया, मोदी खाली मतलब मीठी गोली देता है, और मोदी की भाषा को सब समझ गया, मोदी कुछ नहीं है। अब कांग्रेस का ही काम होने वाला है, कांग्रेस ही आएगी हर राज्य के अंदर। मैं तो कह रहा हूँ मोदी से हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप महंगाई घटा दो, हम आपको ही वोट देंगे। और बोलो तो कर्नाटक में हार के मुख्य कारण क्या थे? महंगाई, बेरोजगारी। मैं तो कह रहा हूँ मोदी से हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप महंगाई घटा दो, हम आपको ही वोट देंगे। और बोलो तो कर्नाटक में हार के मुख्य कारण क्या थे? महंगाई, बेरोजगारी। सर कर्नाटक में इस बार जो बीजेपी की हार हुई, कांग्रेस इस बार बम्पर जीत लेकर आई है, क्या लग रहा है मोदी मैजिक खत्म हो रहा है? ऐसा है भाई साहब कि कर्नाटक में लेके आई कांग्रेस जीत गई, ठीक जी, बीजेपी यूपी में जीती, उसकी चर्चा क्यों नहीं है? केवल कर्नाटक की चर्चा ही क्यों हो रही है? कर्नाटक बड़ा चुनाव था ना सर। हाँ जी, क्यों, यूपी का निकाय चुनाव छोटे चुनाव हैं? नहीं मतलब विधानसभा एक बड़ी बात, सब ऐसे कैसे कह सकते हो? और जब यहाँ पे गुजरात का चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, एमसीडी में भी आप जीत गई, तो एमसीडी बड़े जीत गई, बड़े गुजरात का कोई जिक्र नहीं था, तब वो छोटा बड़ा नहीं था क्या? मोदी मैजिक की जो बात की जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत में चार राज्य आते हैं, भाजपा चारों से हट गई है, पाँच राज्य, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात बोली है कि दक्षिण भारत से भाजपा का शासन खत्म हो गया, भाजपा मुक्त दक्षिण भारत हो गया है। अच्छा, ऐसा है, पहले केवल उसमें कर्नाटक में कभी वो होती थी कांग्रेस और कभी भाजपा, दक्षिण भारत में भाजपा का कोई टिकाऊपन है ही नहीं, हो क्या गया मुक्त तो उसने कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया। अच्छा, एक सेहरा बांधा जा रहा है राहुल गांधी के सर पे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, कि भारत जोड़ो यात्रा से ही कर्नाटक चुनावों पे फर्क पड़ा है? अगर भारत जोड़ो यात्रा से चुनाव पड़ा है तो जब चल रही थी तब क्यों नहीं फर्क पड़ा? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं पड़ा उसका असर? जब यात्रा चल रही थी, यात्रा चल रही तब भी, और अब उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं असर पड़ा? निकाय चुनाव में कांग्रेस जीरो आई है, वहाँ क्यों नहीं असर पड़ा? ऐसे में क्या लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस का तो ये अब बयान आ गया है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने के लिए एक सीढ़ी खुल गई है कर्नाटक चुनाव की। ऐसा है, ये लोग जितना मर्जी दम लगा लें, जितनी मर्जी रणनीति बना लें, इनके अंदर से भ्रष्टाचार खत्म होगा नहीं। ये लोग इकट्ठे होंगे ही होंगे, भ्रष्टाचारी जितने हैं, और मोदी इनको भ्रष्टाचार पकड़ पकड़ के मारेगा और इनमें से किसी को आगे आने नहीं देगा। तो नहीं आ पाएंगे राहुल गांधी, मतलब ही पैदा नहीं होता इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म का पता नहीं। सर क्या नाम है आपका? अमित जैन। कर्नाटक में जो भाजपा की हार हुई, ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा कि मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है सर, मोदी की पावर कभी खत्म नहीं होगी और कांग्रेस भ्रष्टाचार थी और है और रहेगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि दक्षिण भारत से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है, भाजपा मुक्त दक्षिण भारत बना दिया कांग्रेस ने। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये कांग्रेस वालों की गलत फहमी है और कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भेजने के सपने देखने लगे कर्नाटक चुनाव के? भूल जाइए सर, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, अंकल जी ने कहा इस जन्म में तो कभी होगा नहीं। अच्छा, तो भाजपा की हार के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? हिंदू एक नहीं है सर। अच्छा, सीधी बात है, अब ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। एक वादा किया गया था कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक में, बोला गया था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और 500 से 600 रुपए तक सिलेंडर कर देंगे, क्या बिल्कुल आधे रेट पे कांग्रेस कर पाएगी सिलेंडर? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है अंकल जी, जो सिलेंडर वाली जो बात कही थी बड़े जोरों शोरों से उछाली जा रही है, कांग्रेस कह रही है 500-600 में आप सिलेंडर देंगे कर्नाटक की जनता को? समय आ गया, अब दे दे, क्या बताओ, दे दे। अब दिल्ली में बिजली पानी और बसें फ्री हैं और डाटा मेरे विचार से बन रहा है, आने वाला है, कहीं से मुझे खबर लगी है, दिल्ली का हर नागरिक 60,000 रुपये कर्ज के नीचे है, 2-4 महीने में डाटा आ जाएगा, इतना कर्ज इन्होंने ले लिया है कि दिल्ली का हर नागरिक 60,000 रुपये कर्ज में है, वहाँ इस तरह वहाँ भी हो जाएगा। मैम क्या नाम है आपका? किरण जैन। कहाँ के रहने वाले हैं? सर साथ में ही है। ये बताइए आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी का कर्नाटक चुनाव के बाद अब पहुँच पाएंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक? नहीं सर, नहीं पहुँच पाएंगे। मौजूदा सरकार के काम अच्छे लग रहे हैं?
हाँ जी सर। क्या सही लगा आपको मोदी जी का? सब काम अच्छा है, जो भी कर रहे हैं सब अच्छा है, सब पसंद आ रहा है। हाँ जी। अच्छा, राहुल गांधी जी का ये कहना है कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे देश से, महंगाई खत्म कर देंगे, क्या लग रहा है कांग्रेस कर पाएगी? नहीं सर, नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी सर, 70 सालों से तो कभी किया नहीं, तो अब कर देगी, ये तो झूठे वादे हैं। अगर करना होता तो पहले से करते। अब मोदी जी का राज में फिर भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो अब हम सुखी हैं, खुश हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है और कर्नाटक में जो भाजपा की हार हुई है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या भाजपा का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है देश से? भाई जी, थोड़ी बहुत हार झेलनी चाहिए, जब ही अकल आती है आदमी को। अब इनको अकल आ जाएगी, किया तो मोदी ने भी कुछ नहीं, बेवकूफ बनाए फिर लोगों को। देखो, जितने भी आज तक कानून बने 47 से लेके आज तक, हिंदुओं के लिए कोई कानून नहीं बना है, और ना ही कोई मोदी ने बनाया, तो हमारे का इंटरव्यू देने का फायदा क्या बताओ? अच्छा, जो दक्षिण भारत कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मिनिस्टर बुला लो, किसी ने भी अगर हिंदुओं के अच्छे के लिए एक भी कानून बनाया हो तो 47 से लेकर आज तक, तो बेवकूफ बना रहे हैं हिंदुओं को भी, और हिंदू भी बने जा रहे हैं, उन्हीं के लिए बनाते हैं, उन्हीं को खिलाते हैं। हम तो ऐसे ही हैं भाई जी। अच्छा, भाजपा मुख दक्षिण भारत की बात कही गई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला था, तो जो भाजपा मुख दक्षिण भारत है, क्या ये उत्तर भारत तक भी इसकी आग जाएगी? अरे नहीं नहीं, जीतेगा तो वैसे मोदी, मैं आपको बता दूं। हाँ। पर काम ये भी नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ, वो तो बिल्कुल ही नहीं करते, उन्होंने तो हमारा बेड़ा कर ही दिया। ये कोई सुधार की उम्मीद के लिए सोच रहे थे लोग, सुधार कर ही नहीं रहा ये। अच्छा, कर्नाटक की जीत का सहरा जो है भारत जोड़ो यात्रा के सर पे बांधा जा रहा है, राहुल गांधी को दे रहे हैं? देखो जी, भारत कोई टूटा नहीं था, ना भारत उसने जोड़ा। मैं तो ये कहता हूँ जी, ये तो इन्होंने सारी उम्र नफरत फैलाई है, लड़ाई झगड़े करवाए, इसके साथ कुछ नहीं करवाया। आप एक बात बताओ, रिजर्वेशन कोटा कौन लाया था? ये कांग्रेस ही लाए थे, तो इससे क्या मतलब है? इससे झगड़ा हुआ आपस में हैं? दो चार 10 कौमें अलग कर दी, 10 कौमें अलग कर दी हिंदुओं की, तो ये तो इन्होंने तो हिंदुओं की झगड़ा आपस में भिड़वा दिया। तो गलत काम तो शुरू से ही होते आ रहे हैं, अब उनमें कोई सुधार करने वाला कोई नहीं है। पर अब हाँ जी, कांग्रेस का ये कहना है कि जो कर्नाटक के चुनाव में भाजपा की हार हुई है, ये कांग्रेस के लिए सीढ़ी बन गई है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक की? कुछ नहीं, सीढ़ी बनी, कांग्रेस में भी ऐसे ही है और इनमें भी ऐसे ही है। कर्नाटक में जो कांग्रेस की हार है, उसका जो जीत का श्रेय है, वो भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को दिया जा रहा है। क्या भारत जोड़ो यात्रा का फर्क पड़ा है कर्नाटक में? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? महेश पांडे। ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ये स्ट्रेटेजी है जो बीजेपी है, इसके स्ट्रेटेजी है ये। बीजेपी की अब जो करारी हार हुई है, इसमें कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की तो जरूरत है भाजपा को, क्योंकि दक्षिण भारत से सिमट कर रह गई है भाजपा बिल्कुल। ये गलत है। ये जो भाजपा की स्ट्रेटेजी है ना, ये भाजपा ही बता सकती है वो क्यों हारी है, क्योंकि उन लोग की जो स्ट्रेटेजी रहती है ना, वो उन लोग ही बता सकते हैं। हम वो तो अपना मन माने शौर का चला। चार राज्य आते हैं दक्षिण भारत में, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चारों राज्यों से भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया। एक और भाजपा बात करती थी कांग्रेस मुक्त भारत की, अब भाजपा मुक्त दक्षिण भारत हो गया है। हाँ, हो गया ये। अब वो तो भाजपा ही समझे कि उन लोग की स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि अभी बड़ा चुनाव बाकी है। जो तो कर्नाटक की जीत का श्रेय किसको जाएगा, राहुल गांधी को, भारत जोड़ो यात्रा को, क्या लग रहा है? अब इसका तो मुझे बड़ा आइडिया नहीं भाई, मैं नहीं बता सकता हूँ इसका। पर भाजपा की हार का मुख्य कारण क्या हो सकता है? महंगाई, बेरोजगारी, क्या ये मुद्दे देखे जा रहे हैं? मेन बात तो महंगाई और बेरोजगारी तो पहले भी थी। पहले जनता कम थी इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, अभी जनता बढ़ गई है इसलिए समझ में आ रहा है, बस यही बात है। हाँ जी सर। मोदी को अभी लोग समझ गया, मोदी खाली मतलब मीठी गोली देता है, और मोदी की भाषा को सब समझ गया, मोदी कुछ नहीं है। अब कांग्रेस का ही काम होने वाला है, कांग्रेस ही आएगी हर राज्य के अंदर, कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस लाजिम आएगी। भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा फर्क पड़ा कर्नाटक में। पर भारत जोड़ो यात्रा को अगर हम देखें तो दिल्ली एमसीडी हो गई, पंजाब चुनाव हो गए और गुजरात चुनाव हो गए, वहां पर हमने देखा कि हार गई थी कांग्रेस। में भी चुनाव आएगा तो कांग्रेस ही आएगी लाजिम, और बीजेपी में कुछ नहीं है। महंगाई देखो, और आज सिलेंडर का भाव देखो क्या है, 400 रुपये से 1200 रुपये हो गया, और पेट्रोल का 60 रुपये से 110 रुपये हो गया, और महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, और लेबर परेशान है बीजेपी से। मैं आपसे एक बात बताता हूँ, कांग्रेस आने वाली है। इन्होंने जो बताया पेट्रोल का, सिलेंडर का, ये महंगाई के लिए जिम्मेदारी कौन है आप बताइए एक बार? ये जो महंगाई चल रहा है, महंगाई हो रहा है, महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकारी जिम्मेदार है ना इसके लिए तो। यस, सरकार जो जिम्मेदार है, आपने क्या बताया अभी, केरल की जो बीजेपी के करारी हार हुआ है, किस बातों में हुआ है, इसी के पॉइंट आ रहा है आपका, एक नंबर की पॉइंट आपने खुद बताया। सरकारी ये जो हार हो रहा है, ये इसका जिम्मेदार भी सरकार है। अगर जनता चाहते अपना काम, जनता चाहते
ये जो राजतंत्र है, राजतंत्र के अंदर नहीं, जनता गणतंत्र को मानता है। आप हमारे देश जो है गणतंत्र है भाई। अभी कर्नाटक में जो हार हुई भाजपा की, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या भाजपा खत्म होती जा रही है देश से? नहीं भाई, एक राज्य से हारने से क्या होगा? जी, एक राज्य से हार के तो क्या होगा? कांग्रेस इसको एक सीढ़ी की तरह देख रही है प्रधानमंत्री चुनाव के लिए, राहुल गांधी के लिए। वो उनकी मर्जी। तो क्या मोदी मैजिक है जो नहीं चल पाया इस बार? चलेगा, क्यों नहीं जाएगा इस बार? चलेगा। महंगाई और बेरोजगारी के जो लगातार मुद्दे उठते हैं, उस पर क्या है ना, सरकार जिम्मेदार, सरकार क्यों जिम्मेदार है? पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी ना। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, कांग्रेस क्या नहीं, सिलेंडर कितना है सिलेंडर का रेट? नहीं, मैंने ये नहीं, नहीं सिलेंडर का रेट क्या है? मोदी भाई कोई काम नहीं करता। कांग्रेस क्या है, सिलेंडर 1000 से 100 रुपए का दे देंगे वे 100 रुपए का दे देंगे क्या सिलेंडर? उन्होंने वादा किया है कि 500-600 रुपए में सिलेंडर दे देंगे। वो देंगे, इसीलिए तो सरकार बनी है उनकी, पहले वादा दिया इसीलिए सरकार बनी। देखना भाई साहब, अगर नहीं मिलेगा सिलेंडर 500-600 में, लिख के ले लो आप मेरे से, नहीं मिल पाएगा। सर एक बात बताओ मेरे को, 450 का सिलेंडर था, समिति रानी बैठी थी जंतर मंतर पर, आपने देखा होगा बिल्कुल पेट्रोल वो लगा रखा था, है 450 का सिलेंडर, आप 1105 का सिलेंडर, पहले सब्सिडी मिलती थी, सब्सिडी खत्म कर दी, फिर आप बताओ आप महंगाई, मैं तो कह रहा हूँ मोदी से हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप महंगाई घटा दो, हम आपको वोट देंगे। और बोलो तो कर्नाटक में हार के मुख्य कारण क्या थे? महंगाई, बेरोजगारी। मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से, अभी नरेंद्र मोदी हारे नहीं है, अभी भी उनमें हिम्मत है। एक राज्य में हार गए तो क्या हुआ, बहुत राज्य पड़े हुए हैं अभी नॉर्थ और दक्षिण। कांग्रेस ने ये कहा कि पूरे साउथ इंडिया से जो है बीजेपी खत्म हो गई, चार राज्य आते चारों में भाजपा सरकार नहीं है। क्या कांग्रेस के लिए सीढ़ी बनती नजर आ रही है प्रधानमंत्री कुर्सी तक की? नहीं 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 बनेगी। तो राहुल गांधी के सर पे जीत का सहरा बांध रहे हैं। राहुल गांधी तो इलेक्ट हो ही नहीं सकता, उसको तो 6 साल के लिए बैन कर रखा है यार। अभी तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना वो, अभी क्या पता राहत मिल जाए। फिर वो तो पता है ना, अभी पूरा उसने सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो वो नहीं दिया ना, केवरा ना बना रहा, केवरा नीतीश कुमार बनेगा, लालू यादव बनेगा, केवरा कौन बनेगा।